बच्चों गुड मॉर्निंग। क्लास एट सेकेंड चैप्टर लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामता नाथ जी। इन्होंने लाख की चूड़ियों पे बहुत ही अच्छा जो रचनाकार जो है, इन्होंने बहुत ही अच्छी रचना की है। इनका जो मेन जो था बताने का, लाख की चूड़ियाँ जो बढ़ते हुए मशीनों से जो कुटीर उद्योग जो समाप्त हो रहे हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। मशीनीकरण का जो दुष्प्रभाव जो है वो बताया है। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ तो आप सब जानते हैं कैसी होती है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो होती है जो हर औरत को बहुत ही पसंद होती है। और जो लाख जो है एक तरह का पदार्थ होता है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है, जिसको पिघला कर एक तरह से कीड़े से मिलता है। जैसे कि रेशम जो एक विशेष प्रकार के कीड़े से मिलता है, वैसे ही लाख भी हमें मिलता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती है और चूड़ियाँ भी बनती है। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ। पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। लेखक परिचय में है रचनाकार कामता नाथ जी का जन्म जो है 22 सितंबर 1935 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हुआ था। ठीक है, लखनऊ जिले में इनका जन्म हुआ और लखनऊ में विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है अंग्रेजी में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। साहित्य की विविध विद्याओं में सार्थक सर्जनरत कामता नाथ की पहचान एक सशक्त कथा शिल्पी के रूप में हुई। ठीक है, अपने समकालीन और समवयस्क कथाकारों से अलग प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अपनी कथाओं का सृजन किया। समकालीन यानी उसी समय के, और समवयस्क क्या है, समवयस्क यानी कि इन्हीं की उम्र के जो कथाकार थे उनसे अलग प्लेटफॉर्म यानी कि अलग बिल्कुल हट करके इन्होंने अपनी कथाओं का वर्णन किया। इनकी जो कथाएं जो थी एकदम क्रांतिकारी प्रभाव डालती थी। इन्हें पहला सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्तिबोध पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य की ओर से यशपाल पुरस्कार और साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान से विभूषित किया गया था, यानी कि इनको सुशोभित किया गया था, इनको अलग अलग पुरस्कार मिले थे। इनका 25 मई 2015 को लखनऊ में लगभग 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें है समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, छुट्टियां, तीसरी सांस, रिश्ते नाते, कल्पतरु की छाया और दिशाहीन इत्यादि थी। ठीक है, इत्यादि है। इसके बाद बारे में हम एक बार पाठ के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा फिर पाठ करते हैं। प्रस्तुत पाठ अध्याय जो है लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक जो है कामता नाथ जी लेखक है। इस कहानी में मशीनों के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव के बारे में बताया है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मशीनों का जो प्रयोग से जो दुष्प्रभाव जो थे उनके बारे में बताया गया है। लेखक को अपने मामा के गांव में बदलू ही सबसे अच्छे लगते थे। वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था जिन्हें गांव के आसपास के गांव में लगभग सभी औरतें खरीदकर पहनती थी। मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण जहां ग्रामीण औरतें अब मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण जो है ग्रामीण औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गई है, तो वही बदलू का जो लाख की चूड़ियों का जो था तो वो बंद होने लग गया। चूड़ियाँ बनाने का कुटीर उद्योग बंद हो गया, बंद होने जाने वाला था, जिससे वह बदलू जो है बेरोजगार हो गया था। तो ये कुटीर उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग वो होता है जो बड़े बड़े उद्योग ना होकर बड़े उद्योग जो होते हैं बड़े बड़े कारखानों में होते हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग होते हैं। कुटीर उद्योग जो होते हैं घर पर ही बैठकर छोटी छोटी चीज़ों का जो निर्माण करते हैं हाथों से, तो वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। तो ये जो बदलू का जो है कुटीर उद्योग बंद होने में जा रहा था, तो वो बेरोजगार। इस कहानी में मशीनी युग का शिकार हुए बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया गया। मार्मिक यानी दिल को छू जाने वाला वर्णन जो है इसमें कहानी किया गया। ठीक है, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा लगता था। लेखक बता रहे हैं कि सारे गांव में कौन अच्छा लगता था, बदलू, क्योंकि वह उन्हें जो है सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख जो था मैंने बताया था एक तरह का पदार्थ जो होता है, वो उनकी जो रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव यानी कि शौक जो इनको यही था कि भाई वहां पे जाने के बाद इनको जो है रंग बिरंगी कांच की
लाख की गोलियां मिली। जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है। वैसे तो मेरे माता के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए। लेकिन बताया कि भाई ये इनके मम्मी के गांव का है, तो मम्मी के गांव का होने के कारण क्या हुआ, मामा। लेकिन इनको मामा नहीं कहते थे, क्योंकि सारे जो गांव के बच्चे जो थे उनको काका कहते थे, इसलिए इनको जो है बदलू काका कहकर बुलाते थे, जैसा कि गांव के सभी बच्चे कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, बड़ा सा यानी आंगन, सहन का अर्थ था आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी जहाँ पे लाख को पक्का करते थे, तो भट्टी लगती थी। पिघलाने का काम क्या होता था, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। लकड़ी की चौखट समझते हो, तो गेट पे और दरवाजे पर और लगाते हैं, वो चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख को मुलायम होने के लिए वह उसे लाख के सम्मान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में चार छह विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरिया रखी रहती थी। बेलन नुमा यानी बेलन जैसे गोल गोल होता है ना, वैसी मुंगेरिया जो गोल होती है वह रखी रहती है, जो आगे से पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह अपने मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाते थे। मुंगेरियों पर चढ़ाते थे, फिर उनको गोल और चिकना बनाते थे। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। कलर जो है, पहले सारी चूड़ियों को बनाता था, फिर उसके ऊपर कलर करता था, जिससे वो बहुत ही सुंदर लगती थी। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मछी पर बैठ कर करता था। मछिया समझते हो, जो चारपाई जो होती है वो, ठीक है, जो पुरानी, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। हुक्का जैसे आजकल जो सिगरेट का सेवन करते हैं, तो पहले ज़माने में बूढ़े लोग जो होते थे हुक्का पिया करते थे। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास नहीं था। लेकिन बता रहे हैं जो उनका जो गांव जाने के बाद में जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो था बदलू के पास में बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था। जैसे ही ये जाते थे लेखक छोटे देर जाते थे और इनके जाते ही वह एक दूसरी मछिया मंगवा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे इसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह चार छः जोड़े चूड़ियाँ बनाता। लगभग रोज कितने जोड़े, चार या छः चूड़ियों के जोड़े बना देता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई है। जब वो पूरा जोड़ा बन जाता था, तब उसको बेलन पर चढ़ाकर बहुत देर तक उनको जो देखता रहता था, कौन बदलू, जैसे कि छुड़ा ना होकर किसी नववधु। इसमें क्या लिखा है, नववधु, यानी कि वधु का जो दुल्हन जो होती है उनको वधु बोलते थे। बोलते जो किसी नववधु की कलाई हो बेलन ना होकर, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ है जो हम अगले वीडियो